कोटड़ा के चिकित्सालय में एक चिकित्सक व चार कार्मिक के भरोसे सीएससी। उदयपुर जिले के सुदूर जनजाति क्षेत्र कोटड़ा में मूलभूत सुविधा का तो अभाव चल ही रहा, वहीं कोटड़ा उपखंड मुख्यालय पर कोरोना का कहर बरपा रहा, जिससे सबसे ज़्यादा आम जन चिकित्सा सुविधाओं की ज़रूरत है। वहीं कोटड़ा जैसे जनजाति क्षेत्र की सीएससी पर आधे से ज़्यादा कोरोना संक्रमित स्टाफ होने से चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है, जिस पर ग्रामीणों को चिकित्सा के लिए गुजरात जैसे हॉटस्पॉट क्षेत्र में जाकर उपचार करवाने को मजबूर हो रहे हैं। कोटड़ा चिकित्सालय पर चार चिकित्सक हैं, जिनमें से तीन चिकित्सकों को कोरोना पॉजिटिव आने के साथ एकमात्र चिकित्सक के भरोसे सीएससी पर 15 पॉजिटिव कुल कार्मिक हो गए। वहीं दो नर्सिंग कर्मी छुट्टी पर हैं, वहीं एक नर्सिंग स्टाफ वैक्सीनेशन में व तीन नर्सिंग स्टाफ ही शेष रहने से सामंजस्य स्थापित कर 24 घंटे सीएससी पर दे रहे सेवा। कोटड़ा कस्बे में 250 से कोरोना सैंपल लिए गए, जिसमें 41 कोरोना रोगियों की हुई थी पुष्टि, जिसमें 15 केवल सीएससी का स्टाफ है। कोटड़ा क्षेत्र के लोगों को सीएससी कर्मियों के कोरोना संक्रमित हो जाने के से भय व्याप्त है, लोगों में सीएससी जाने से भी डर लग रहा है। ऐसे में कोटड़ा में सीएससी के बचे हुए कर्मियों को वैक्सीनेशन, चेक पोस्ट, क्वारंटाइन, सीएससी पर भी सेवाओं का कार्य करना मुश्किल हो गया है। चलते हुए हमारे सीएससी कोटड़ा में आधे से ज़्यादा स्टाफ पॉजिटिव है, उनमें से प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर में से मैं अकेला नेगेटिव हूँ, बाकी तीन स्टाफ और हैं जो नेगेटिव हैं, बाकी टोटल सीएससी के स्टाफ पॉजिटिव है। इस महामारी को देखते हुए अब हमारे सामने समस्या आ रही है कि बाकी इतने स्टाफ में से बाकी हम चार लोग ही नेगेटिव हैं, और इसके लिए तो क्या है, गवर्नमेंट को मतलब कि और स्टाफ भेजना चाहिए हमारे यहाँ पे। बाकी तो हम 24 आवर्स लगे हुए हैं टोटल जनता की सेवा के लिए, बाकी हमसे जितनी सेवा हो पाएगी उतनी हम कर रहे हैं। जैसे कि कोरोना काल को लेकर जहाँ पर अस्पताल और चिकित्सा के जहाँ लोगों पर खास जरूरत है, ऐसे समय में स्टाफ का अधिकतर पॉजिटिव हो जाना आम जन के लिए भी खतरे से खाली नहीं है। इस बारे में कुछ क्या गवर्नमेंट की तरफ से वैकल्पिक व्यवस्था कोई हो पाएगी क्या? हाँ जी, वो बात करेंगे जो हमारे डीसीएम सर से बात करेंगे, सीएमएचओ साहब से बात करेंगे, तो वैकल्पिक अगर किसी डॉक्टर को भिजवाते हैं तो अच्छी बात है, वरना तो हम हैं 24 आवर्स तो ड्यूटी कर ही रहे हैं। बाकी जब तक हम यहाँ हैं सीएससी कोटड़ा तब तक 24 आवर्स 7 आवर्स डे तक के ड्यूटी करते रहेंगे। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, कि जैसे कि कोटड़ा क्षेत्र में कोरोना का कहर बरपा रहा है, कोरोना इस तरह की 41 अब तक क्षेत्र में पॉजिटिव लोग आ चुके हैं, साथ ही हॉस्पिटल स्टाफ भी आधे से ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका है, तो कम स्टाफ की कमी के कारण आप लोगों को भी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इस बारे में आप कुछ क्या बता पाएंगे सर? बिल्कुल कहना चाहता हूँ मैं, कोटड़ा तहसील में सोशल डिस्टेंसिंग का पालना नहीं होने की वजह से ही पूरा ये फैल गया है, और हमारे चार जनों पे ही पूरा हॉस्पिटल का पूरा बोझ पड़ा है, जो कि ओपीडी की भी सेवा नहीं सही समय पे नहीं दे पा रहे हैं। कैंपलिंग भी करनी पड़ रही है और क्वारंटाइन भी करनी पड़ रही है, और जगह जगह कहीं सुराई पे चेक पोस्ट लगाए हैं, वहाँ भी जाना पड़ता है। वैक्सीनेशन को लेकर क्या है स्थिति? वैक्सीनेशन लेके स्थिति ये है भैया की बहुत कम लगी है, फील्ड में भी अभी सही सलामत वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है, और लोग भी इतने जागरूक नहीं है इस क्षेत्र के, तो उन्होंने वैक्सीनेशन डर है, इसकी वजह से वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। लोगों में भ्रांतियाँ फैली हुई है तरह की कि वैक्सीन से ये हो जाएगा ये जाए, इसलिए इसको शिक्षा के माध्यम से वो उसके जागरूकता करना पड़ेगा, जागरूकता अभियान चला के फिर गाँवों में जाना पड़ेगा, तब जाके 60-70% होगा वैक्सीनेशन।